नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज गोपतानी आपका स्वागत करता हूं फंड स्पाई की ओर से। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वॉरेन बफे सर का नाम आपको ज़रूर पता होगा। हम सब लोग उनके ट्रूली फैंस हैं, वो अपने आप में एक लेजेंड है। अपनी स्टॉक मार्केट की सक्सेस को वो चार मेजर क्वालिटीज में कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले वैल्यू इन्वेस्टिंग, दूसरा डिसिप्लिन, तीसरा पेशेंस एंड चौथा रिस्क एवर्शन। उनका ये मानना है कि अगर आपके पास ये चार क्वालिटीज़ हैं तो आप स्टॉक मार्केट में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। मगर साथ ही साथ उनका ये भी मानना है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक को पिक करना अक्सर मुश्किल होता है। तो ऐसे में एक सिंप्लीफाइड बेस्ट स्ट्रैटेजी है जो कि वो सालों से फॉलो करते आए हैं और अपने हर शेयर होल्डर को रेकमेंड भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का नाम है लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स। अब ये क्या होता है, इनकी शुरुआत कब से हुई और किस तरीके से आप इसके अंदर बेस्ट से बेस्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं सविनय निवेदन करता हूं आपसे कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत सारी पैसिव इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोज आपके लिए लेकर आने वाला हूं, तो चैनल के साथ बने रहने का ये इकलौता ही तरीका है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई वीडियो लेकर आऊँ तुरंत आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इंडेक्स फंड की शुरुआत कहां से हुई थी। सन 1976 में जैक बॉगल नाम के एक अमेरिकन कमाल के इन्वेस्टर हुआ करते थे। वो अपनी कंपनी वैनगार्ड के थ्रू ये चीज मार्केट में लेकर आए थे। स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों ने इसे बहुत बुरी तरह क्रिटिसाइज किया। वो ही मानते थे कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके भला किसका कहां फायदा हुआ है। लेकिन दोस्तों, आज की डेट में वैनगार्ड 5.6 ट्रिलियन डॉलर के एसेट्स को मैनेज करता है और इस दुनिया में बेस्ट से बेस्ट कंपनीज में से एक है। खुद वॉरेन बफेट साहब भी जैक बॉगल के बहुत बड़े फैन हैं और उन्होंने अपने 2016 के बर्कशायर हैथवे कंपनी के एनुअल शेयर होल्डर लेटर में अपनी क्लियर रिकमेंडेशन दी थी कि वो आज भी लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना हमेशा से रिकमेंड करते आए हैं। अब दोस्तों, समझते हैं कि आखिर क्या होता है ये इंडेक्स फंड। किसी भी देश की इकोनॉमी का बेस्ट इंडिकेटर कि वो ऊपर जा रही है या नीचे, वो बताने के लिए उस कंट्री का स्टॉक मार्केट होता है। दोस्तों, हमारे देश में मेजरली दो स्टॉक इंडाइसेस वर्क करते हैं, एक निफ्टी, दूसरा सेंसेक्स। निफ्टी में 50 की टॉप कंपनीज होती हैं और सेंसेक्स में 30 टॉप कंपनीज। ये टॉप कंपनीज बेसिकली अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बनकर आती हैं। इंडेक्स फंड आपके पैसे को इन टॉप की 50 कंपनी या टॉप की 30 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो इस केस में आपको सबसे बेटर बेनिफिट मिलता है कि आपका रिस्क हमेशा डाइवर्सिफाइड होता है। खुदा ना खास्ता अगर एक या दो कंपनीज आपकी आपके रेपुटेशन के हिसाब से वर्कआउट नहीं भी कर पाती हैं तो भी आपकी बाकी की 49 या 48 कंपनीज हैं जो कि आपके ओवरऑल रिस्क को मिटिगेट कर देगी और लेवल में ला देगी। इसके चलते आपकी इन्वेस्टमेंट मोटा मोटा तौर पे हमेशा सेफ रहेगी। और दोस्तों, एक कमाल का फन फैक्ट इसके साथ मैं आपको बता दूं, 2000 के अराउंड जो निफ्टी 1000 पॉइंट का था, 2019 के आते आते वो निफ्टी 12000 पहुंच गया था। और वही जो सेंसेक्स 1990 में 1000 पॉइंट का हुआ करता था, 2019 में आते आते वो 42000 का हो चुका था। सोचिए, अगर 1990 में किसी के पास 1 लाख रुपए होगा और उसने वो इन्वेस्ट कर दिया होता इंडेक्स फंड्स में, तो वो इन्वेस्टमेंट 2019 में 42 लाख रुपए की होती। दोस्तों, है ना अपने आप में कमाल की इन्वेस्टमेंट। एंड इसमें क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ये एक बेस्ट ऑप्शन है आपकी पैसिव इन्वेस्टमेंट के लिए। आप धीरे धीरे इसमें पैसे डालते रहिए और आपको फिगर करने की जरूरत नहीं है कि मार्केट इस टाइम कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। इंडिया एक एमर्जिंग मार्केट है और ये लगातार बढ़ेगा ही। यही एक ऑप्टिमिज्म के साथ आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आज अगर आपका सेंसेक्स 35000 है तो क्या आप इसको नीचे जाते हुए देखते हैं अगले 10 साल में? जी नहीं, आप यही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ऊपर जाएगा। तो जैसे जैसे आपका इंडेक्स ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट भी ऊपर जाएगी। ये है इसका बेस्ट एडवांटेज दोस्तों। तो दोस्तों, ये थे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के एडवांटेजेस। लेकिन साथ ही साथ आपको दो मेजर हिदायतों का ख्याल रखना है जब भी आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। पहली हिदायत जो आपके लिए रहेगी वो ये कि आप कभी भी अपना पूरा का पूरा लमसम पैसा एक बारी में इन्वेस्ट ना करें। उसके पीछे की वजह यह है कि इस केस में आपको कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा नहीं मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर, आज अगर सेंसेक्स 35000 है, कल खुदा ना खास्ता कुछ हादसा होता है जिसके चलते अगर वो 32000 गलती से आ जाता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट एक ही बारी पे नीचे हो जाएगी। यही अगर आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें, लाख रुपए एक बारी में ना करके सीधा 10000-20000 इन्वेस्ट करें और जब वो 32 का हो तब वापस से 10-20 हज़ार करें, तो उसमें आपको फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि आपकी कॉस्ट पूरी तरीके से एवरेज आउट हो जाएगी
और उस केस में आपको नुकसान नहीं होगा। और दूसरी हिदायत जिसका आपको सख्त ख्याल रखना है वो ये कि आप जब भी कभी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें तो आप हमेशा इंश्योर करके चलें कि वो लो कॉस्ट इंडेक्स फंड हो। लो कॉस्ट से मेरा मतलब है दोस्तों कि आप जब भी किसी इंडेक्स फंड में जाते हैं तो आपको मैनेजमेंट की कुछ एक फीस देनी पड़ती है, वो जितनी ज़्यादा कम हो उतना बेटर। क्यों? क्योंकि आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हो पैसिव इन्वेस्टमेंट के तौर पे लंबे टाइम के लिए होने वाली है, 10 साल 15 साल 20 साल। ऐसे में ये छोटा छोटा जो लो कॉस्ट का फर्क रह जाएगा ये बाकी आगे वक्त में आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा अगर आपने स्टार्टिंग से चुनाव अच्छा नहीं किया तो। तो इस केस में आपको इंश्योर करके चलना है कि आप किसी भी तरीके से लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में ही इन्वेस्ट करें। अब बात आती है दोस्तों कि ऐसे कौन कौन से फंड्स हैं मेजरली, UTI म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC, ये तीनों के तीनों का ही आप अगर एक्सपेंस रेशो उठा के देखें तो वो 0.5% से भी कम है और हमारी एनालिसिस के हिसाब से ये ऑलमोस्ट टॉप परफॉर्मिंग है आज की डेट में मार्केट में। तो दोस्तों है ना ये कमाल की इन्वेस्टमेंट, एंड द बेस्ट पार्ट बीइंग कि इसके लिए आपको मार्केट को लगातार देखने की ज़रूरत भी नहीं है। ये सिंपली एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसको आप पैसिव मोड में आराम से धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहिए और बहुत सालों के बाद ये आपको बहुत कमाल का रिटर्न देके जाएगी। इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने का बहुत आसान सा तरीका है दोस्तों, आप हमारी वेबसाइट www.fundsfy.com पे विजिट कीजिए, अपने मनचाहे फंड सेलेक्ट कीजिए और आराम से अपने मनचाहे ऑप्शन से पेमेंट कीजिए। आप चाहें तो अपनी इन्वेस्टमेंट गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड करके भी कर सकते हैं, मैकेनिज्म एकदम स्मूथ एंड ईजी है। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मिलेंगे जल्दी, जय हिंद।